गुड मॉर्निंग, मैं मनोज कुमार। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज का मेथड ऑफ एवरेज पढ़ रहे हैं, जिसमें एवरेज का आज क्लास 5 करेंगे, मतलब एवरेज का वीडियो नंबर 5 होगा। तो देखते हैं इसमें हमने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही यह शॉर्ट वीडियो होगा, मतलब कम से कम 10 मिनट या 11 मिनट का हो सकता है। देखिए, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। तो प्रश्न में दिया है गुणज, तो गुणज या अपवर्त, हमने इसका ये थ्योरी लिख दिया है, थ्योरी आपको आना चाहिए। थ्योरी है ये कि गुणज या अपवर्त, जिसे इंग्लिश में मल्टीपल भी बोलते हैं, जैसे 6 का मल्टीपल, मतलब 6 का गुणज कौन होगा, मतलब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24। अगर जो कहेगा 6 के प्रथम 4 गुणज बताइए, तो 6 12 फिर कितना होगा, 6 3 18 और 6 4 24। इस प्रकार से 6 के प्रथम 4 गुणज हुआ। 6 के प्रथम 5 गुणज कहता है, तो 6 5 30 तक लिखते। गुणज मतलब उसी का पहाड़ा, गुणनखंड या अपवर्तक, इंग्लिश में फैक्टर इसे बोलते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड या फैक्टर या अपवर्तक क्या होगा, मतलब 6 कौन कौन संख्या से कटती है, तो 6 1 से कटती है, 2 से कटती है और 3 से कटती है और खुद अपने आप से 6 से। उसी प्रकार से 15 का गुणनखंड 1 से 15, मतलब 15 1 से कट जाएगी, 3 से और 5 से और खुद 15 से। मतलब गुणज और गुणनखंड का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। हालांकि प्रश्न है क्या गुणज के, तो ध्यान से देखिए, आपको इस टाइप के प्रश्न वाले में आप फार्मूला याद करते होंगे, लेकिन हमें फार्मूला याद करना नहीं है। हमने आपको सेकेंड वीडियो में ही बताया था कि जब कर्मागत पदों का अंतर समान है तो क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 करते हैं। बस उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इस कंसेप्ट को, मतलब ये सारे प्रश्न को तुरंत बना देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। तो 7 के प्रथम 5 गुणज हम बता रहे हैं क्या होता है, जैसे 6 के प्रथम 4 गुणज हमने लिखा, उसी प्रकार से 7 के प्रथम 5 गुणज लिखना है, मतलब 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होगा, फिर 7 3 21 होगा, 7 4 28 होगा और 7 5 35 होगा, मतलब 7 14 21 28 35, यही हो गया 7 के प्रथम 5 गुणज। तो इसका औसत निकालना है, तो इस प्रकार के प्रश्न को इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था क्लर्क ग्रेड 1989 में। हम जो भी क्वेश्चन लेते हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड होता है, ये एसएससी क्लियर 9500+ या 9100+ या कोई भी बुक रहेगा उसी का रहेगा, मतलब क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सभी 7-7 के अंतराल पर है, 7 का गुणज है इस कारण से। तो जब समान अंतराल पर हो, नियम हमने लिखा, यदि कर्मागत पदों का अंतर समान हो तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, बस इसी को हमें करना है। तो प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 35 है, तो औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 7 प्लस 35 बटा 2। 7 35 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42, 42 बटा 2 कितना हो गया, 21, 21 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। या ये मेथड फर्स्ट हमने आपको बताया इस नियम से, और मेथड सेकेंड आपको हमने पहले भी बताया था क्या, कि कर्मागत पदों का अंतर तो समान है ही, तो इस प्रकार के प्रश्न को और कैसे बनाते हैं, बराबर बराबर छाटते हैं, मतलब इधर से 2 अंक छाटे, इधर से 2 अंक छाटे, तो बीच में आया 21, तो बीच वाला संख्या ही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 21 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था बनाने का। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप बनाइए, आप सक्सेस होंगे, मतलब इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे बनाते हैं। और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखते हैं ये बुक एसएससी केरल 9500+ या 9100+ में क्वेश्चन नंबर टाइप 1 का है, क्वेश्चन 1 देखिए। इसी प्रकार के जैसे 7 के प्रथम 5 गुणज का ये था, अगला क्वेश्चन है 7 के प्रथम 7 अपवर्तियों का औसत बताइए। गुणज की जगह क्या लिखा है, अपवर्त्य लिखा है, और 5 की जगह पर 7 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बनाने जा रहे हैं, तो 7 के प्रथम 7 अपवर्त्य, तो 7 के प्रथम अपवर्त्य 7 एकम 7 होगा, फिर 7 दूनी 14 होगा, इसी प्रकार से 7वां कितना होगा, 7 गुना 7, मतलब पहला अपवर्त 7 और अंतिम अपवर्त 49, हमें सिर्फ इतना से ही मतलब है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर क्या बताए हैं आपको, औसत बराबर पहली संख्या मतलब 7 और अंतिम संख्या 49 बटा 2, तो 49 और 7 जोड़िए तो 9 7 16, मतलब कितना हो जाएगा, 49 में हम 7 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 बटा 2 मतलब 28 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
फोर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है कहां पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल मतलब एलडीसी का क्वेश्चन है टीयर वन में 5 मार्च 2018 को शिफ्ट वन में पूछा गया था। इसका दूसरा तरीका मतलब ये मेथड फर्स्ट हो गया बनाने का, मेथड सेकंड इसे कैसे बना देंगे आपको पूरा लिखना होगा सातों, मतलब 7, 14, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 49। अब बराबर बराबर हमें बांटना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो है तो 3 इधर हम छाट देते हैं और 3 इधर छाट देते हैं तो बीच वाला संख्या ही आपका औसत हो जाएगा। औसत कितना हो गया 28। इस प्रकार हमने देखा औसत निकालने के ये दोनों तरीका, कब ऐसा यूज करेंगे बराबर बराबर अंतराल पर सभी संख्या रहेगी मतलब सात सात का गैपिंग पर है या कोई भी बराबर बराबर गैपिंग पर हो तो इस प्रकार के नियम से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले इतना मिटाते हैं उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत बताइए, मतलब 3 के प्रथम 9 अपवर्त्यों या गुणजों जो भी कहें उसका औसत बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 19 मई 2013 को एसएससी सीजीएल टीयर 1 में, मतलब टीयर 1 का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड, 3 के प्रथम 9 गुणज, तो 3 के जैसे यहाँ 9 गुणज है, रह सकता है 12 गुणज 13 गुणज, तो हमें तो सभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला गुणज और अंतिम गुणज लिखना है, 2 से भाग दे देना, वही आपका औसत हो जाएगा। तो 3 के प्रथम 9 गुणज लिखना है, तो हमें क्या लिखना है 3 के प्रथम 9 गुणज, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत लिखना है। तो प्रथम गुणज 3 हो जाएगा और 9वां गुणज कितना हो जाएगा 3 × 9, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा ये 3 और ये 27, मतलब 3 + 27/2, 3 27 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30/2 मतलब 15 आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद और भी इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखिए 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन तो आपको बताएं कि एसएससी में पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है 3 के प्रथम 9 गुणजों का बला, मतलब एक में गुणज था एक में दिया है समाकलन, समाकल मतलब इस प्रकार का लैंग्वेज किया है, या आप वर्त भी रह सकता है, मतलब ये कोई भी लैंग्वेज रह सकता है। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया हुआ होगा, ये इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 15, इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो ये है समाकल लिखकर इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, और गुणज लिखा हुआ है जो यही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये कितना हो जाएगा थर्ड दोनों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आज का, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए, गलत ग्रेड निशनवासन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता दिए। फिर है 3 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का औसत, क्या लिखा है 3 के प्रथम 10 अपवर्त्यों, 3 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का औसत बताना है। तो ध्यान से देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है, 3 के प्रथम अपवर्त 3 × 1 और 10वां अपवर्त 3 × 10 होगा, तो 3 और अंतिम अपवर्त 30 हो गया, तो औसत बराबर क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, मतलब 3 + 30/2, तो 3 और 30 जोड़ेंगे तो 33/2, मतलब कितना हो जाएगा 16.5 या 16 × 1/2, मतलब ये आपका 16.5 एलडीसी, ये क्वेश्चन है जो एलडीसी का है, एलडीसी में कब पूछा गया था 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के हमने लगातार 4 क्वेश्चन किए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं दूसरा वैरायटी के। ध्यान से देखिए हमने आपको वीडियो नंबर पहला में ही, एवरेज का पहला वीडियो में ही आपको ये बता चुके होंगे कि औसत में जितना से हम गुना करते हैं, मतलब यदि प्रत्येक संख्या में गुना भाग जोड़ घटाव जो भी करते हैं तो औसत में भी उतना ही गुना भाग जोड़ घटाव होता है, थ्योरी सहित क्वेश्चन भी किया था, तो इसे दोहराने के लिए आपको इस वीडियो में एक दो क्वेश्चन हमने दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का औसत कितना होगा, 8 संख्याओं का औसत कितना है 8 संख्याओं का औसत 21 है, और प्रत्येक संख्या में कितना से गुना कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर रहे हैं, तो औसत में भी कितना से गुना करना होगा 8 से गुना करना होगा, तो नेट औसत कितना हो जाएगा 168 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के बारे एक प्रश्न आप करते हैं,
जैसे देखिए छह संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से दो घटा देते हैं तो नया औसत कितना होगा? छह संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में से दो घटा रहे हैं तो नेट औसत में से भी दो घटाना होगा, मतलब नया औसत कितना हो जाएगा? 10। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सात संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर देते हैं तो नया औसत क्या होगा? सात संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना करेंगे तो नया जो औसत हो जाएगा, औसत में 7 से गुना करेंगे मतलब कितना हो जाएगा? 49। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन हमने एवरेज का वीडियो पहला में ही किया था। हमने इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट या 12 मिनट हुआ होगा। हम अब इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगर मेरा यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।